सारे भूखे हैं, कुछ नहीं है इनके पास, जेल में इससे बेहतर दाल मिलती है। लंगर देने की कोई तरतीब नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है, अल्लाह की राह में दे रहे हैं। हम कोशिश करें कि हमको अल्लाह पाक हदायत दे दे। ये मान है मेरे मुल्क का, लेने वाला भी सोचे देने वाला भी सोचे, ये सब ने वोट डाले हैं और इनको एक वक्त की रोटी मयसर नहीं है। वो अपनी मार में है, गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचता। से पत्थर इनकी लाने लगी, खाने का एक रुपया एक दमड़ी नहीं है इनके पास। नई बात, यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इन लोगों ने वोट कास्ट की है, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। ये एक वक्त की रोटी लेने के लिए, लंगर लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, ऐसे ही है जी। ये कोई न्याज नहीं लेने आया, ये किसी के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। बात बताऊँ, जिस तरह ये लगे हुए ना, इंशाल्लाह ताला जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इससे बदतर इनकी लाने लगनी है। लगनी है, ये आपका ईमान है इंशाल्लाह। एक तरफ वो देखें, नाजिन ये देखें, ये शरीफ लोग हैं, ये तमाम अच्छे घरों से तलक रखते हैं। खाने का एक रुपया एक दमड़ी नहीं है इनके पास, एक रुपया नहीं। सफ़ेद पोश लोग, खुदा की कसम पर्दा नहीं चाक करना चाहता, इस मुल्क की हालत दिखाना चाहता हूँ। दुख होता है, आप मुझे बताएं इनमें से कोई भी कोई इस मुल्क का शहरी नहीं है? सारे इस मुल्क के शहरी हैं, युगंडा से कोई भी नहीं आया। खाने के लिए कुछ नहीं है, दो चपातियाँ छोटी छोटी, ये दाल दिखा दे, दिखाएं जरा ये देखें, ये दो छोटी छोटी चपातियाँ और ये दाल, पैसे ऐसा खाना खाना से जे होंगे तो फिर इतों खाते। ये न्याज नहीं लेने आए, ये अपना पेट की आग बुझाने आए हैं। जिसका वादा किया था तुमने इनका पूरा करने का, कि मैं पेट का सारे मामले पूरे करूंगा, भूखा कोई नहीं सोएगा। ले देख, ये सारे भूखे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। देख वक्त के शाह, तू अपनी हुकूमतें बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ, ये देख भाई, पैसे ऐसे खाना खाना, पैसे होते इधर खाना थे, पैसे होते थे इधर खाना खाना। मैंने तो नहीं सिखाया अम्मा जी, पैसे है ने ना लोगों को, पता नहीं भाई, मैंने नहीं पता नहीं। वो तो आप दीदा हो गई है, पैसे नहीं है, गरीब, पैसे नहीं है, भूखे पैसे है नहीं खाना से ना, उनके पैसे होले थे, खाना ऐसे ही है खाना से। ये दो चपातियां जिसकी दो बुर्कियां बनती हैं, जो दो नवाले बनते हैं इस चपाती के, ये पतली दाल जो जेल में इससे बेहतर दाल मिलती है, ये इनका नसीब है। इन्होंने ठप्पे लगाए हैं, ये युगंडा से नहीं आए, ये कीनिया से नहीं आए, ये यहाँ के लाहौर के शहरी हैं। इनके कुछ हकूक थे, रोटी आपकी जिम्मेदारी थी, कपड़ा आपका जिम्मेदारी थी, तालीम आपकी जिम्मेदारी थी, ये तमाम तर इलाज मुआवजा आपकी जिम्मेदारी थी। हाल देखें बेटा, पैसे थे तुम्हारे पास? नहीं। अगर ये लंगर ना मिलता तो तुम तो भूखे सो जाते, भूखे सो जाते ना जी। इस जवान नौ उम्र लड़के का, जो नौजवान है, इसका नया नया वोट बना होगा क्या? इसका मकदर, इसने वोट डाला है, इसका मकदर ये है? अभी तक मेरे हाथ से ये वोट की लाइन नहीं जा रही, तुम लोगों को मैंने वोट डाला है। मैं तमाम सियासी जमातों को कह रहे, जोड़ तोड़ करने के लिए लगे हुए हैं ना, लुडो सीधी पदरी कर रहे हैं ना, अपने प्याले फीले घोड़े तोपे चला रहे हैं ना, और इनके लिए भी कोई एक आधा टांगा चला दो हैं, और इनके लिए भी कोई दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर दो। मैं गलत तो नहीं कह रहा, सही कह रहे हो, मैंने कुछ गलत कहा? मैंने कोई गलत बात की है? ये मान है मेरे मुल्क का, ये अपने गांव में चौधरी गिनी जाती है और यहाँ फकीर बन के फिर रहे हैं तुम लोगों की वजह से। ऐसे नहीं है, मजदूरी नहीं है, मजदूरी नहीं, मजदूरी नहीं है। कितने कितने दिन मजदूरी नहीं? काफी देर हो गई। अगर मजदूरी मिल जाए, अगर मजदूरी मिल जाए तो हम खाना खा सकते हैं, खाना खा। मजदूरी भी नहीं मिल रही। ये तो हजरत दादा गंज बख्शली ज्वेरी सरकार का करम है कि जो लोग यहाँ पे चढ़ावे चढ़ाने आते हैं तो आपको दो वक्त की रोटी मिल जाती है। अच्छा, ये वो भी न्याजे चढ़ावे? हाँ। यार ये सदका है, ये किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ये आदमी जो आते हैं और ऐसे ही अल्लाह ताला माफ फरमाए, कई लोग हैं कि सदका बता के देना चाहिए, बताए बगैर देते हैं ताकि हमारी भलाई टल के उसके ऊपर आ जाए। ऐसे है कि नहीं? ऐसे ऐसे ही, ऐसे ही। और ये भूखे लोग जिन्होंने वोट कास्ट किए ना, दिखाओ जरा, ये सब को देखो,
ये सारे के सारे, ये देखें वोट दिखाएं जी, दिखाएं अपना हाथ ऊपर करके, ये सब ने वोट डाले हैं, ये देखो ये सब ने वोट डाले हैं, और इनको एक वक्त की रोटी मयसर नहीं है। इसलिए हुकूमत बन जाए, कोई रोजगार मिल जाए, कोई अच्छा मवेशी हालात बन जाए, वो अपने दौलत इकट्ठी करने लगे हुए हैं, वो अपने इंबार में हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं सोच रहे। कोई नहीं सोचता गरीबों के लिए, गरीबों का ये हाल है जो रोटी मांग कर खा रहे हैं। महंगाई तो काम में होनी चाहिए। आप यहाँ पे दे रहे हैं ना न्याज वगैरह? सामने कब सर, अल्लाह ताला आपका भला करे, आप लाइन में लगा के लोगों को न्याज दे देते हैं, यही बड़ी बात है। आप बिस्मिल्लाह करें सर। हम जितने भी लोग हैं ना, हम अल्लाह और अल्लाह के नबी को सहाबा के पैगाम को भूल चुके हैं, हकीकत मानते हैं ना इस बात को, इंशाल्लाह दीन से दूरी हो चुकी है ना। मैं सुने, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी शामिल हूँ। हम कोशिश करें कि हमको अल्लाह पाक हदायत दे दे, पहले मुझे फिर सब इनको। अगर अल्लाह को ना जी, पर एक सवाल उठा लो, अगर आप इजाजत देते हो, मारेंगे तो नहीं? ये रोटी जो आप दे रहे हैं दिखाएं जरा, ये अल्लाह का माल है, अल्लाह नहीं नहीं, ये जो छोटी छोटी रोटी दे रहे हैं, ये जो इसकी एक बुरकी बनती है, ये इंसानियत की तजलील नहीं है? जो दे रहे हैं ना उनके लिए, जो ले रहे हैं उनके लिए। तो आप जब बेचते हैं, आपके कलेजे को हाथ नहीं पड़ता? हम खुद देने आते हैं। आप देने आते हैं, यही रोटियां देते हैं? जो पीछे तो जो आती है वो उनका मसला है, घर से पका के ले आते हैं, को बड़ी बड़ी रोटी दे देते, तंदूर से खरीद लेते, हम खुद लेके देते। ये देते वक्त तरस नहीं आया उन लोगों को? नहीं ना आता जो आप भी तो देते हैं। हम तो लेते हैं ना, हम आप आते हैं, हम मैं भी आता हूँ आपकी तरह, यार ये लो ये लंगर दे दो, बस हम आप जैसे आते हैं। लेकिन लंगर देने की कोई तरतीब नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है, अल्लाह की राह में दे रहे हैं। ये जो लोग करते हैं ना, किसी आम इंसान की राह में नहीं, अल्लाह की सबसे मालिकुल कुल की राह में दे रहे हैं। जो लोग पीछे से करते हैं ना उनके ऊपर। मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी तरफ देने आता हूँ। आप जब यहाँ पर देने आते हैं, आप 1500 रुपए की देख क्यों खरीदते हैं? हम देते हैं। आप 8000 की क्यों नहीं खरीदते? हम जब 8000 की मिलेगी 8000 की दे देंगे। नहीं, हर जगह मिलती है, आप हर जगह अच्छी बड़ी भी मिलती है, 12 किलो की देख दे ना। ये जो कहेंगे वो देख दें, जो अपने माँ बाप के खत्म के ऊपर देते हैं। मेरी बात सुने, जो ये मांगे जो वो देख दें, जो बच्चियों के मंगनियों के ऊपर देते हैं, जो लेने आता है ना उसको खुद एहसास होना चाहिए। मेरी बात लड़ गई, मैं बात के आपको लड़ गई, मैं आपको पूरी करूंगा। आपको भी पता आप अक्लमंद है, मुझे भी पता मैं अक्लमंद हूँ। लेने वाला भी सोचे, देने वाला भी सोचे। ओ, इस मैं तरह ये तो, क्यों करता हूं? इस तरह तो पुलिस को रिश्वत कुछ देता तो वो लेती है कि जो सोच रखोगे वही मिलेगा। नहीं, आप इनकार कर दें लेने से, इनकार नहीं, बुरा काम करने से बाधा जाए। रोटी पकाते हैं, ये तो रोटी कमाने के लिए बैठे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं है कोई शख्स। ये देखे जरा, ये तमाम मजदूर खुदा की कसम 5-5, 6-6 दिन भूखा रहने वाले तबका है, अल्लाह जानता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे मां न्याज इकट्ठी करने के लिए आई हुई है अपने अहले खाना के लिए, और मर जाना चाहिए हमें शर्म से। कोई शर्म है तुम्हें?